जिस शायर को मैं बुला रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि अपनी जबानदानी से आपको ज्यादा कायल करूं, क्योंकि यहां जो शायर मौजूद हैं इसमें कोई शक नहीं है कि जफर हबीबी साहब ने जमुआ जैसी जगह पर, और फैसल रहमान साहब को मैं देखता हूं तो मुझे यूं ही खुशी होती है, क्योंकि इनके वालिद मोहतरम के साथ आज से 35 साल पहले जब मैं अंजुमन इस्लामिया में ज्वाइंट सेक्रेटरी मोतिहारी में हुआ करता था, बहुत वक्त हम लोगों ने गुजारा था, और मुझे खुशी होती है कि मैंने उनकी फर्स्ट ताजियती निशस्त मुशारे में भी था और यहाँ भी हूँ। तो मैं अब आवाज देना चाहता हूँ अबरार साहब को, अबरार अकरम साहब को, जो बेहतर शायर तो है ही, जबान और बयान की सलाहियतों के कायल करने वाले शायर हैं। मैं आवाज दे रहा हूं जनाब अबरार अकरम साहब को। अभी तो बाद में सब निजाम जमुआ की ये हसीन रात, मैं सबसे पहले गिर्दो नवाह के तमाम मुअज्जज मेहमान शोराए कराम मेहमान खुसूसी और जमुआ के तमाम लोगों को दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं, और साथ साथ जफर हबीबी साहब को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं अपनी बात को यहां से शुरू करना चाहता हूं कि वतन की आबरू खोने लगेंगे, वतन की आबरू खोने लगेंगे, खूब वतन की आबरू आप लोग स्टेज उठाइए, खोने लगेंगे, हशर बुरा होगा सब। हम दुश्मन को कभी सोने नहीं, बहुत अच्छे, क्या अर्ज़ है आपका, वतन की आबरू खोने लगेंगे, हम दुश्मन को कभी सोने न देंगे। अब मेरे सीने में लिखा ये भारत, मेरे सीने में लिखा है ये भारत, जहर से कभी भोले रहेंगे, वाह, खूब खूब खूब, मेरे सीने में लिखा है ये भारत, जहर से कभी बोले न देंगे। और चार मिसरे हाजिर करूं समाज फरमाए, जनाब मई साहब शेर समाज फरमा ले के मौत बरहक है आएगी एक दिन, मौत बरहक है आएगी एक दिन, मेरे जाने पे तुम मातम न करना, तवज्जो चाहूंगा, मौत बरहक है आएगी एक दिन, मेरे जाने पे तुम मातम न करना, ये जहां जाती चली जाए भला से, ये जहां जाती चली जाए भला से, तिरंगा जहां में जहां तक काम न करना, ये जहां जाती चली जाए बला से, तिरंगा जाने जहां तक हम न करना। और मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ईमान वाला मुसलमान डर नहीं सकता, ईमान वाला मुसलमान डर नहीं सकता, अब वतन की राह में मर कर भी मर नहीं सकता, ईमान वाला मुसलमान डर नहीं सकता, अब वतन की राह में मर कर भी मर नहीं सकता, और जमाना लाज बदगुमा है बदगुमान रहे, नबी का चाहने वाला फसाद कर नहीं सकता। क्या कहा गया आप, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया। ईमान वाला मुसलमान डर नहीं सकता, वतन की राह में मर कर भी मर नहीं सकता, और जमाना लाख बदगुमान है बदगुमान रहे, नबी का चाहने वाला फसाद कर नहीं सकता। चार मिसरे और हवाले आपके समातों के हवाले कर दूं, दुआ चाहूंगा, अगर अच्छा लगे तो दुआ दीजिएगा। हमीद जैसा सिपाही करोड़ों आदमी, हमीद जैसा सिपाही करोड़ों आज भी है, करोड़ों आज भी है, यही वजह है कि तुम्हारे सर पे ताज भी है, यही वजह है कि तुम्हारे सर पे ताज भी है। कलाम जैसे तो सदियों में पैदा होते हैं, कलाम जैसे तो सदियों में पैदा होते हैं, मेरा वजूद ही भारत का इतिहास है। खूब
हक का त्याग भी है। और दुआ चाहूंगा इन मिश्रों से के आगे मैं बढ़ूं। हाँ बिल्कुल आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ रहे हैं और सबको बढ़ा भी रहे हैं। शुक्रिया बहुत हाँ, बिल्कुल हाँ। चार मिसरे और आपके समातों के हवाले कर दो कि गौहरे इल्म से ऐसा तो मुकद्दर कर दे, गौहरे इल्म से ऐसा तो मुकद्दर कर दे, मैं तो कतरा हूँ, मैं तो कतरा हूँ यार रब, समंदर कर दे, खूब खूब खूब, मैं तो कतरा हूँ यार रब तू समंदर कर दे। और जो गरीबों की हिमायत के लिए जीते हैं, जो गरीबों की हिमायत के लिए जीते हैं, ऐसे लोगों को यार रब तू सिकंदर कर दे, ऐसे लोगों को यार रब तू सिकंदर कर दे। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा आसी हूँ कि सिया के सिवा कुछ भी नहीं, ऐसा आसी हूँ कि सिया के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इश्क महबूब से यार रब तू तवंगर कर दे, इश्क महबूब से यार रब तू तवंगर कर दे। और ये आखिरी शेर सुनिए कि अपने अकरम को किसी रोज बुला लो, अकरे अपने अकरम को किसी रोज बुला लो आका, मेरी किस्मत को या रब तू मनवर कर दे, मेरी किस्मत को या रब तू मनवर कर दे। अगर अगर इजाजत हो तो तन्नो में दो शेर पढ़ लो। इशाद इशाद, ऐसा है सदर मोहतरम सामने बैठे हैं, शुक्रिया। और हमको उन्होंने जाते जाते कहा है कि मैं मुशायरा पूरा सुनकर ही जाऊंगा। पहले दो चार मिसरे हाजिर करना, समाज फरमा ले। उन नौजवान जो उधर से तालियां बजा रहे थे, शायद लगे कि उन तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि इन घटाओं को काली घटा मैं कहूं, इन घटाओं को काली घटा मैं कहूं, तेरी जुल्फों को आखिर पता क्या कहूं। अच्छा तजुर्बा, इन घटाओं को काली घटा मैं कहूं, तेरी जुल्फों को आखिर बता क्या कहूं, ऐ सबा किस तरह तू मुअत्तर हुई, बिखरी जुल्फे तो उसने सवारा में हुई, और दूरिया ही सही मत करीब आइए, दूरिया ही सही मत करीब आइए, अपने अकरम पर कुछ तो तरस खाइए, और दर्द सीने में लेके जिए रात दिन, भूल कर सबको एक पल गुजार दीजिए। बस चंद मिसरे अगर सुनने के ख्वाहिशमंद है, चार से पढ़ूंगा, कानून में पढ़ करके आपसे विदा लूंगा। एक मतलब लगे जोरदार ताली लग जाए, लगे कि आप सुन रहे हैं जमुआ वालों। अरे सब लोग जाग रहे हैं भाई, ऐसा है आप बिल्कुल पढ़ते जाइए और बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, और अभी पढ़ नहीं रहे बल्कि मैं सुन देख रहा हूँ कि आप देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा। बात इतनी है कि तस्वीर बना लेते हैं, बात इतनी है कि तस्वीर बना लेते हैं, बात इतनी है कि तस्वीर बना लेते हैं, अपने पलकों के पसे पर रच बले, वाह 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 वाह, अपने पलकों के पसे पर रजवा लेते हैं, इतनी मगरूर न बन, इतनी मगरूर न बन, हुस्न पे जान गजल जब भी रूठा किए हम तुमको मना लेते, जब भी रूठा किए हम तुमको मना लेते हैं। और ये शेर उन नौजवानों को पेश करना चाहता हूं कि हमको मालूम कहां, अशरफ साहब, मोइन साहब जी, अच्छा अच्छा लगे तो ज्यादा प्रसन्न जाऊंगा, बिल्कुल। हमको मालूम कहां, हमको मालूम कहां, दर्द बात इतनी है।
है के तस्वीर बना लेते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।